इंडियन ऑयल रेस अक्रॉस इंडिया का दूसरा संस्करण भारत की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन अल्ट्रा साइकिलिंग रेस 10 अक्टूबर 2024 को शुरू होने जा रही है। यह रेस जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर भारत के दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाएगी। 3,758 किलोमीटर की अविश्वसनीय दूरी को कवर करते हुए यह रेस प्रतिभागियों की सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेगी, क्योंकि वे 12 राज्यों से होकर गुजरेंगे और विधि परिदृश्यों, जलवायु और भूभागों का सामना करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस प्रतिष्ठित आयोजन के गौरवपूर्ण शीर्षक प्रायोजक है, जो देश में धीरज खेलों की वृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहे हैं। यह रेस विश्व अल्ट्रा साइकिलिंग संघ द्वारा मान्यता प्राप्त और इसे रेस क्रॉस अमेरिका क्वालिफायर इवेंट के रूप में मान्यता दी गई है। इंडियन ऑयल रेस क्रॉस इंडिया के सभी फिनिशर्स को विश्व प्रसिद्ध रेस अक्रॉस अमेरिका में भाग लेने के लिए स्वयंचलित रूप से क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अल्ट्रा साइकिलिंग रेस है। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों से शुरू होकर यह मार्ग प्रतिभागियों को भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के साथ ले जाएगा, जो उत्तरी पहाड़ी से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र तक जाता है। पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्यों से होते हुए प्रतिभागियों को जलवायु में तेजी से बदलाव का अनुभव होगा। हिमालय की ठंड से लेकर दक्षिण के तटीय इलाकों की उमस तक का भी अनुभव होगा। तो थोड़ा जेनेसिस, कुछ साल पहले 2017 में हमने रेस अक्रॉस अमेरिका डॉक्टर जिन समर के साथ किया था और हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था, और वहाँ हमने देखा कि यू नो इट्स अ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ अल्ट्रा साइकिल्स, मोर देन 250 पार्टिसिपेंट्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपको ये बताऊँ कि ये सपोर्टेड रेस है। सपोर्टेड मीन्स मात्र एक साइकिलिस्ट नहीं रहता या टीम ऑफ फोर या टीम ऑफ टू वाले, सिर्फ साइकिलिस्ट ही रहते हैं, उनके साथ में 8 से 12 लोग उनको सपोर्ट करते हैं। सो व्हेन आई से वन साइकिलिस्ट, इट्स अ टीम ऑफ 9 to 10 ओके, एंड देयर आर 2 कार्स इन्वॉल्वड और 2 व्हीकल्स इन्वॉल्वड, और इस तरह से ना बड़ा कारवां होता है और काफ़ी रिसोर्सेज लगती हैं। और आप अमेरिका में जाकर इसको करते हैं तो इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन बहुत सारे वॉलंटियर्स लगते हैं जो 15-20 दिन आपके साथ अमेरिका आते हैं, उतना टाइम स्पेंड करें। करेक्ट, तो हमने वो देखा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही 2018 में हमने ट्रांस साइबेरियन देखा, जो 9,100 किलोमीटर वर्ल्ड सबसे लंबी रेस है, अगेन समझ उसको कम्प्लीट किया विद इन द टाइम। और वहाँ पर भी देखा कि सिर्फ 6-7 पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत रिमोट एरिया साइबेरिया। इस तरह के ना वंडरफुल रेसेस हैं। इंडियन ऑयल रेस अक्रॉस इंडिया, इस बार की विशेषता यह है कि हमारे पास कुछ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए हैं। देयर इज अ टीम ऑफ 4 फ्रॉम केनिया एंड देयर इज अ सोलो पार्टिसिपेंट फ्रॉम पोलैंड। और इस बार थोड़ा डिस्टेंस भी ज्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज, क्योंकि कुछ पैचेस में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने के कारण हमें थोड़ा सा डिटूर करना पड़ा कुछ पैचेस में बिकॉज ऑफ सम यू नो एजुकेशन, ये हो सकते हैं। हमें ये रेस को बहुत सेफ रखना पड़ता है, तो ये सब रेकी करके हमने एक रूट तय किया जिसके कारण ये थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया। लास्ट ईयर इट वॉज 3,651, नाउ इट इज 3,758 किलोमीटर्स, बट द पैरामीटर्स आर ऑलमोस्ट सेम। जो एबल राइडर्स है, जो फिट राइडर्स जिसको हम कहते हैं बिलो 60, उनके लिए समय है 12 दिन का, उनको फिनिश करना होता है। 12 दिन के बाद अगर वो फिनिश करते हैं तो वी कंसीडर। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पान, CBCN न्यूज़ नागपुर। The cool new Glanza. Go hatchin', go awesome.